टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जैसे 10,000 रुपया पर ईयर हर साल जमा करना है 75 साल तक, उम्र की 75वीं सालगिरह तक, उसके बाद अगर इंतकाल हो गया 75 साल तक 10,000 रुपया हर साल जमा करना है। अच्छा हाँ, उसके बाद अगर इंतकाल हुआ तो घर वालों को 1 करोड़ मिलेगा, क्या ऐसा करना जायज है? उससे पहले अगर इंतकाल हो जाए तो? वो नहीं लिखा है वो मैं भी पूछना चाहता हूँ, जिन साहब ने सवाल भेजा है जरा वो बता दें। इस सवाल से तो ये समझ में आया कि जो कुछ फायदा है मरने के बाद होगा। हाँ जी जी, हदीस शरीफ में है, सरकार ने सलाम ने फरमाया कि माल तो वही है जो तुमने खाया पिया अपने काम में लाया, या माल वो है जो तुमने दूसरों के ऊपर सदका व खैरात कर दिया, जो अपने ऊपर खर्च किया खाया पिया ये दुनिया में काम आया, और जो दूसरों पर खर्चा किया सदका खैरात वगैरह वगैरह ये तुम्हारे आखिरत में काम आया, और जो छोड़ गए उससे तुम्हारा क्या भला ना दुनिया में ना आखिरत में, वो तो वारिसों का माल है, हक है, उनको मिलेगा। और फिर मालूम भी नहीं को मिलता है कि नहीं मिलता है, कहीं ऐसा हो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ही बंद हो जाए जी उससे पहले, या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का दिवालिया निकल जाए, तो 75 साल तक आपने जमा किया और ताकि बच्चे फायदा उठाएंगे, और आप बच्चों को कुछ भी नहीं मिला, तो हरगिज हरगिज ऐसा लाइफ इंश्योरेंस ना किया जाए। लाइफ इंश्योरेंस चंद शर्तों के साथ कर सकते हैं, मगर मुख्तसर मुद्दत के लिए कीजिए, जिस मुद्दत तक आम तौर पे आदमी जीता है सेहत इजाजत देती बाकी वो उस वक्त जी सकेगा, ताकि वो रकम अपने जिंदगी में उठा हासिल करके और उससे फायदा कमा सके। ऐसे रकम से क्या फायदा कि जिसका नफा मरने के बाद मिले जी। तो लोग ये समझेंगे कि जब इसका फायदा मरने के बाद ही है तो जल्दी मर जाओ जी, और फिर पता नहीं अपने लिए क्या क्या फैसले कर लें, उनके घर वाले क्या फैसले कर लें जी जी। तो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि खुद आदमी अपने लिए गलत फैसला करे या उसके घर वाले कोई गलत फैसला सोच सकें। काम वो कीजिए जो आपके भी काम आए दूसरों के भी काम जी जी। तो वो लाइफ इंश्योरेंस कराइए जो आपको जिंदगी में ही मिल जाए, और उसमें आपके लिए जन्न गालिब होना चाहिए, माने गालिब होना चाहिए कि 3 साल तक उसकी तमाम किस्तें आप जरूर अदा कर देंगे। 3 साल? 3 साल। अच्छा, तो ये 3 साल की कैद क्यों? ये 3 साल की कैद हजरत क्यों? 3 साल की कैद इसलिए है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ये कानून बना रखा है कि अगर 3 साल से की तमाम किस्तें जमा कर दे तो उसको बोनस भी मिलेगा, जमा की हुई रकम भी मिलेगी, और एक किस्त भी रह गई जिसको वो अदा नहीं कर सका तो ऐसी सूरत में उसका बोनस भी गया और 3 साल में जो लाखों रुपया उसने जमा किया वो भी गया, यानी सब कंपनी अपने लिए जब्त कर लेगी। तो आप जब्त, आप जमा कर रहे हैं जब्त होने के लिए नहीं, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। इसलिए अगर आपको यकीन है, इत्मीनान है कि आप 3 साल की सारी किस्तें जमा कर देंगे, एक किस्त भी छोड़ेंगे नहीं, नागा नहीं करेंगे, तब तो आप लाइफ इंश्योरेंस कराइए, और सुबह है तो ना करें सुबह।